अयोध्या पर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। पहले प्री मॉनसून की बारिश के चलते रामपथ पर गड्ढे हो गए, अब मॉनसून की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरयू उफान पर है और जलस्तर डेंजर लेवल से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। आखिर अयोध्या का मौसम क्यों बिगड़ रहा है, किन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, अयोध्या के मौसम की पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। अयोध्या पर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। पहली ही बारिश, पहले रामपथ भरा, गड्ढे हो गए, अब अयोध्या में सरयू का जलस्तर डेंजर लाइन के पार। मॉनसून के आते ही राम की नगरी अयोध्या पर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। सरयू उफान पर है, डेंजर लाइन को पार कर चुकी है। आप तस्वीरों से सरयू का विकराल दृश्य देख सकते हैं। पिछले कुछ घंटे में सरयू का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज सुबह 7 बजे सरयू का जलस्तर 92.65 मीटर था, जो 8 बजे 92.660 मीटर हो गया, 9 बजे 92.67 मीटर हो गया, 10 बजे 92.680 हो गया और 12 बजे ये डेंजर लेवल यानी 92.730 पर पहुंच गया। सरयू अपने किनारों को पार करते हुए आसपास के इलाकों में पहुंच गई, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरयू में बने पुल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां जलस्तर कैसे डेंजर लाइन के पार पहुंच गया है। यहां जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे, जल प्रलय का ही मंजर नजर आएगा। अयोध्या में सरयू के जलस्तर के डेंजर लेवल को पार करने की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सरयू के उद्गम स्थल को भी जान लीजिए। सरयू नदी का उद्गम उत्तराखंड के बागेश्वर में कपकोट क्षेत्र के सरमुल नामक स्थान पर है। सरमुल से यह कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट और रामेश्वर से निकलकर नेपाल की सीमा पर स्थित चंपावत जिले के पंचेश्वर में काला नदी यानी शारदा नदी में मिल जाती है। फिर यही काली नदी जब उत्तर प्रदेश के बहराइच के पास ब्रह्मा घाट में घघरा से मिलती है, तो इसके संगम से बनी नदी को पुनः सरयू ही कहा जाता है। बहराइच से होते हुए सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बलिया से होकर गुजरती है। सरयू नदी के रूट में इसके डेंजर लेवल को पार करने की वजह उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से भारी मात्रा में बैराजों से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से सरयू का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बनबासा शारदा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई है, प्लस तराई क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है। हाँ, नेपाल से भी भारी मात्रा में बारिश उधर बहुत हुई है, इसकी वजह से भारी मात्रा में बैराजों से पानी छोड़ा गया है और प्लस तराई क्षेत्रों का भी पानी मतलब एक्युमुलेट होके मतलब ढेर सारा पानी हो गया, जिसकी वजह से जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है तेजी से।
ये कतरनिया घाट बैराज पड़ता है, और इस जो यहाँ शारदा नदी इसकी सहायक नदी है उस पर भी बैराज बने, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें भी काफी बाढ़ आई है जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बनबासा बैराज और करतनिया घाट स्थित गिरिजा बैराज से करीब 8 लाख से अधिक क्यूसेक पानी सरयू में छोड़ा गया है। इसके चलते नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। अयोध्या में भले ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया हो, लेकिन इस पर आस्था भारी पड़ रही है। अब भी सरयू में डुबकी लगाने श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। सरयू के घाटों पर पानी ऊपर तक चढ़ाया है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी। श्रद्धालुओं को भी बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। योगी सरकार लोगों की सेफ्टी को लेकर एक्टिव, लिहाजा यहां कदम कदम पर एसडीआरएफ के जवानों का पहरा है। एसडीआरएफ के जवान लगातार सरयू नदी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सरयू के डेंजर लेवल को पार करने से यहां चुनौतियां बढ़ने वाली। जिले में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अयोध्या में एक तरफ सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है, वहीं दूसरी ओर उमस का प्रकोप भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जलस्तर में और इजाफा होने का अनुमान है। सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने से बारिश के अलर्ट के बाद कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रुदौली, सुहावल और सदर तहसील इलाके के करीब 24 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा है। सुहावल में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए नाव का प्रबंध कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले माझा कलां गांव के लिए तहसील प्रशासन की टीम लगा दी गई है। अयोध्या ही नहीं, सरयू के किनारे बसे यूपी के दूसरे जिले भी भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। कॉलेज में पानी भर गया है, ऐसे में छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और सरयू रौद्र रूप में बह रही है। जिले के 150 गांव बाढ़ की चपेट में है। 1200 एकड़ खेत में पानी भर गया है। 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पलिया में सड़कों पर नाव चल रही है। बहराइच में सरयू नदी उफान पर है। नदी ने डेंजर लेवल को पार कर लिया है। सरयू खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से 4 तहसीलों नानपारा, मिसीपुरवा, महसी और कैसरगंज के 25 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। इन गांवों का संपर्क कट गया है। एक तरफ यूपी में बेहिसाब बरसात हो रही है, अनुमान से अधिक बारिश हो रही है। बारिश के कारण ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गए, कहीं जल जमाव हो रहा है तो कहीं सड़क धंस रही है। कहीं पुल बह रहा है तो यूपी का सिस्टम सरेंडर कर रहा है।
यूपी में जोरदार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तीन जिलों के करीब 500 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत में शारदा नदी का पानी 200 गांवों में घुस गया है। लोग छतों पर रातें गुजारने को मजबूर हैं। यहां सड़कों पर नाव चल रही है। यहां बारिश के पानी में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। पीलीभीत में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी है। सोमवार रात को हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी में ज्यादातर नदियों का लेवल डेंजर लाइन को पार कर चुका है और यूपी में मुसीबत ही मुसीबत टूट रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 66 जिले ग्रीन जोन में है, यानी यहां पर बारिश की उम्मीद कम है। प्रदेश में मॉनसून की बारिश नॉर्मल से 37% ज्यादा हो चुकी है। 1 जून से प्रदेश में अब तक 209 mm बारिश हुई है, जबकि औसत 152.1 mm है। और अब बाढ़ का खतरा आगे दूसरे जिलों में बढ़ रहा है। तस्वीरें यूपी के रामपुर की, जहां पानी के तेज बहाव के कारण कटाव शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर अभी बाकी है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और तबाही मचेगी।